जय हिंद दोस्तों। सीएचडी की लिमिट बढ़ाई गई है, इसमें इजाफा किया गया है, 1 फरवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। ये लिस्ट सभी सीएचडी कैंटीनों के बाहर लगाई गई है, उसके बारे में बताएंगे। और बता दें कि लिक्विड ग्रोसरी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है, इसके साथ टीवी कार बाइक ये भी खरीदने में इसकी भी लिमिट की लिस्ट लगाई गई है। तो पूरी जानकारी इसमें, सबसे पहले तो जो नई लिमिट 1 फरवरी 2024 से लागू होगी, इनमें पहले आपको कितनी लिमिट की मिल रही थी, अब कितना इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दें, ग्रोसरी में ऑफिसर जो है वो 11,000 का पर मंथ ले सकते हैं, ऑफिसर ग्रोसरी। इसके बाद लिक्वर ले सकते हैं 10 से 14 बोतल, और एफडी आइटम 1 लाख का ले सकते हैं ऑफिसर। इसमें फोर व्हीलर के बारे में 20 लाख तक की फोर व्हीलर 8 साल के गैप में ले सकते हैं। वहीं जेसीओ की 8,000 की लिमिट कर दी गई है ग्रोसरी कार्ड की, और लिक्वर की 7 और 6 बोतल, यानी कि 6 बोतल कर दी गई है। इसमें 75,000 जो है एफडी का, जो 75,000 लिमिट कर दी गई है एफडी आइटम की। और बता दें 7 और 6 का मतलब है कि जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 7, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए 6 बोतल। इसके बाद जो इसके कार की इसके बारे में दिया है, 1,000 1 लाख रुपए सर्विस मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा सर्विस होनी चाहिए, 1 एज ए ओ आर, 1 एज ए जेसीओ, 1 आफ्टर रिटायरमेंट, 8 साल के गैप में ये पहले थी। अब बता दें कि ओआर के लिए 5,500 की लिमिट ग्रोसरी में, और लिक्वर है 5 जो सर्विस कर रहे हैं और जो रिटायर हो गए उनके लिए 4। इसके बाद बता दें कि एफडी आइटम में 55,000 की वो सामान ले सकते हैं, 8 लाख की जो सर्विस कर रहे हैं, सर्विस मोर देन 5 ईयर्स की, 8 साल की गैप में आप ले सकते हैं, मोर देन 5 ईयर्स की मिनिमम सर्विस हो तभी आप एक कार ले सकते हैं, वो भी 8 लाख की लिमिट। पहले ये लिमिट 6 लाख की थी, जो कि बढ़ाकर 8 लाख की गई है। 1 इन सर्विस 1 आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि 1 आफ्टर रिटायरमेंट और 8 साल का बीच में गैप होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूं जो नई पॉलिसी में क्या क्या चेंजमेंट आया है। नोट एडिशनल पर 2500 रुपए ग्रोसरी ऑन लिक्वर कार्ड, लिक्वर कार्ड में एडिशनल 2500 की आप ग्रोसरी अलग से ले सकते हैं, जो आपकी लिमिट है। विडो एनओके इंटाइटल ओनली 50% कोटा ऑफ लिक्वर, यानी कि विडो और एनओके जो है वो 50% लिक्वर का कोटा ले सकते हैं, जो रिटायर हैं या सर्विस जवान हैं उनके 50%, यानी आधा लिक्वर वो भी ले सकते हैं। एडिशनल 40,000 ऑन लिक्वर एंड डिपेंडेंट कार्ड 20,000, 20,000 का डिपेंडेंट कार्ड से आपको लिक्वर मिल सकती है। वेफ 1 फरवरी 2024 से जेसीओ ओआर इंक्लूडिंग पेंशनर्स विडो एनओके इंटाइटल टू परचेस 5 एंड 4 कार्स लाइफ टाइम, यानी कि जो जेसीओ है वो 5 कार, उनके जो एनओके है वो 5 कार, और जो ओआर है वो 4 कार पूरी लाइफ टाइम में आप ले सकते हैं 4 कार। तो ये पहले लिमिट 2 थी, अब इसको 5 कर दिया जेसीओ के लिए और ओआर के लिए 4 कर दिया है। टू व्हीलर्स के लिए इंटाइटल टू ऑल बेनिफिशरी वंस एवरी 4 ईयर्स, एवरी 4 ईयर में आप टू व्हीलर एक ले सकते हैं, यानी 4 साल बाद एक टू व्हीलर आप कितनी भी खरीद सकते हैं, लेकिन 4 साल का गैप होना चाहिए। अब इसी में और भी सामान में एसी के लिए 4 4 इन 4 ईयर्स, यानी हर साल एक एसी ले सकते हैं। टीवी 2 इन 4 ईयर्स, यानी कि टीवी 2 ले सकते हैं 4 साल में, यानी कि 2 साल में एक टीवी ले सकते हैं। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव 1 इन 4 ईयर्स, 4 साल में केवल एक ही ले सकते हैं, ये 3 चीजें। अब बता दें कि और भी क्या इसमें किया गया है। एनुअल रिन्यूअल ऑफ कैंटीन स्मार्ट कार्ड हैज बीन डिसकंटिन्यूड, यानी कि जो एनुअल आप रिन्यूअल कराते थे कैंटीन स्मार्ट कार्ड, वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, यानी कि अब आपको रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाया करेगा। सबसे अच्छा काम ये हुआ है, नहीं तो आपके कार्ड डिसरिन्यू हो जाते थे, जिससे कि आपको परचेस करने में दिक्कत आती थी। परचेज ऑफ 1 मंथ एंटाइटलमेंट ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्वर इन एडवांस हैज बीन परमिटेड, अब ये लिमिट अब इसको बढ़ाया हुआ कहो, या फिर 1 महीने के एडवांस, 1 महीने का अब आप एडवांस ले सकते हैं, यानी कि एक बार अगर आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं ओआर हैं
तो आप 5.5 की जो लिमिट है वो सीधा 11,000 की आप खरीद सकते हैं, क्योंकि एडवांस हो चुका है, एडवांस भी ले सकते हैं 1 महीने का। तो आप एक बार में कैंटीन कार्ड लेके जा रहे हैं ओआर, वो डबल ले सकते हैं, चाहे जेसी हो चाहे ऑफिसर। ऑफिसर की 11,000 तो 22,000 का खरीद सकते हैं, वहीं जवान 5.5 हजार का है तो 11,000 खरीद सकते हैं, वहीं जो जेसीओ है वो 8,000 की लिमिट है, उनकी बढ़कर 16,000 यानी कि 16,000 का आप खरीद सकते हैं एक बार में। लिमिट फॉर परचेज ऑफ फोर व्हीलर्स हैव बीन इनहेंस एज अंडर, जो फोर व्हीलर्स की लिमिट है अफसर के लिए 20 लाख, जो कि 15 लाख थी जिसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। वहीं जवान की 7 लाख थी, जेसीओ की 7 लाख थी, अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। 10 लाख की कार आप खरीद सकते हैं, इसमें टैक्स लगा नहीं है, टैक्स अलग से आप जितना टैक्स होगा वो अलग है, यानी कि 10 लाख बिना टैक्स की आप कार ले सकते हैं। और इसके बाद जो जेसीओ जो ओआर है वो 6 लाख की पहले लेते थे, अब 2 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई, 8 लाख की कार ले सकते हैं। बता दें इसमें भी टैक्स नहीं इंक्लूड है, टैक्स अलग से, यानी कि अगर कार मिल रही है टैक्स मिला के 8,70,000 की, तो 70,000 उसमें भी 8,70,000 की कार आप खरीद सकते हैं। अभी इसमें एक चीज और बदलाव हुए हैं, बता दें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है, इसमें भी कास्टिंग ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदेंगे तो वो ज्यादा उसमें पैसे लगते हैं, तो इसमें 5 लाख की आपको लिमिट बढ़ा दी गई, जो आपकी कार की लिमिट है उसमें 5 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि जो ओआर है वो 8 लाख की लिमिट है कार खरीदने की, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो 8,5,13 लाख की कार आप खरीद सकते हैं बिना टैक्स की। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीमियम लिक्विड हैज बीन इंक्रीज, जो प्रीमियम लिक्विड है उसको 1500 की पहले आप खरीद सकते थे, अब 2000 की लिमिट कर दी गई है, प्रीमियम लिक्विड की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसके बाद परचेज ऑफ 2 TV 4 AC हैज बीन परमिटेड ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल के गैप में आप तो 2 TV ले सकते हैं और 4 AC ले सकते हैं 4 साल में, तो 4 साल का ये दिया हुआ है। वीर नारी एनओके ऑफ BC फेडरल आर बीइंग इशूड विद ए लिक्विड कैंटीन स्मार्ट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इशू किया जाएगा लिक्विड स्मार्ट कार्ड, जो वीर नारी है एनओके है उनके लिए। वेफ 1 फरवरी 2024 से द नंबर ऑफ कार्स परचेस परमिटेड टू जेसीओ आर देयर पेंशनर्स विडो एनओके विल बी इनहेंस एज अंडर, यानी कि जेसीओ के लिए जो लिमिट है वो 5 इन लाइफ टाइम कर दी गई है और ओआर के लिए 4 इन लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ में ओआर 4 कार ले सकते हैं। और वेफ 1 फरवरी 2024 से परचेज ऑफ फर्स्ट ईवी विल बी परमिटेड एफिक्स 6 ईयर ऑफ लास्ट परचेज, यानी कि अगर आप ईवी ले रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो आप 6 ईयर्स लास्ट परचेज का 6 ईयर में आप ले सकते हैं पहली, अगर आप ईवी खरीद रहे हैं, वैसे 8 साल का गैप है लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो 6 साल में भी ले सकते हैं। तो ये बदलाव हुए हैं, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।